पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किसान आंदोलन में हिंसा फैला सकती है। खुफिया रिपोर्ट के बाद आज के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख किसान, इतने बड़े हुजूम के बीच हिंसा की चिंगारी फैल सकती है। सुरक्षा एजेंसियों को ये खुफिया जानकारी मिली है कि किसानों के आंदोलन पर आईएसआई की गिद्ध नजर लगी है। वो हिंसा फैलाने का षड्यंत्र कर चुका है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा कारणों से एलजी आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गड़बड़ी फैलाने के इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली के येलो लाइन के 3 मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय, विधानसभा और सिविल लाइन्स को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। लाल किला, सिविल लाइन्स, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशन क्लोज का यहाँ पर ये पोस्टर लगा दिया गया है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है स्टेशन बंद है 10 बजे से 14 बजे तक, यानी कि ये वो दौरान वो समय है जिस बीच में संयुक्त किसान मोर्चा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। वहीं इसी के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, लाल किला, रिंग रोड पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।